एडमिशन दिनेश एंड रमेश एंड नरेश, क्या है? वो आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। थ्री टू वन मीन्स हाउ मच परसेंट, हाउ मच परसेंट, हाउ मच परसेंट? परसेंटेज। अरे ओरली बोलने का, फिफ्टी 21। वाह, फिफ्टी 33.33 एंड 16.67, समझा? और तुम लोग आना चाहिए, परसेंटेज। यार बैलेंस शीट इज ट्रेड पेबल्स, जीआर कहाँ जाएगा? लैंड फर्नीचर क्लोजिंग स्टॉक कैश इन हैंड कैश एट बैंक। दिनेश रमेश नरेश, तीन पार्टनर। अरे कहां कॉलम बनाऊंगा चौथे को लोगे तो, है ना? पार्टनर दो ही अच्छे। द पार्टनर्स हैव एग्रीड टू टेक सुरेश एज अ पार्टनर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। ओहो, सुरेश फोर्थ पार्टनर कम्स इन, नो? सुरेश शेल ब्रिंग 8,000 एज कैपिटल एंट्री। बोलो बोलो। The value of stock was increased to 14,000 and furniture to be depreciated by 10%. Stock की क्या value करोगे, increase करोगे? Entry बोलो। Stock to revaluation कितना? 1,400 and furniture to be depreciated by 10%. तो रिवैल्यूएशन टू फर्नीचर, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट शुड बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन डेटर्स। तो 5% डेटर्स का लेंगे तो बहुत इजी है। रिवैल्यूएशन टू आरडीडी, द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज इंक्रीज्ड बाय रुपीज हाउ मच एंड वैल्यू ऑफ गुडविल इज फिक्स। अरे गुडविल का वैल्यू आ गया, तो गुडविल क्या करेंगे लोग? रेज करेंगे। क्या करेंगे लोग? बस गुडविल का वैल्यू लेना है ना, रेस करेंगे। तो हम क्या करेंगे? कुछ बोला नहीं, रेस करने को तो बोला है ना। गुडविल की वैल्यू कितनी है? हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ गुडविल? 18,000, है ना? द वैल्यू ऑफ गुडविल इज 18,000, सो यू विल रेज इट। और कितनी बार लोग रेस करके राइट ऑफ भी कर सकते हैं, क्योंकि नहीं बोला नहीं तो वो लोग बोलते हैं पहले नहीं बताते ना, हम अभी भी हम नहीं बताएंगे, जाओ। तो फॉर्म की पॉलिसी, तो रेज करके फिर क्या? द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शैल बी डिवाइडेड इक्वली। क्या करेंगे लोग? इक्वली डिवाइड करेंगे। हाँ, फॉलो दिस। अच्छा, गुडविल कितना? 18,000। व्हाट इज द रेशियो, ओल्ड रेशियो? 3:2:1। ओके, अच्छा 3:2:1। अच्छा, मतलब कितना हुआ? 18,000 में से 9,000 ना इसका। फिर ओके, नाउ हाउ विल यू स्टार्ट विथ? सी हियर, न्यू सैक्रिफाइस रेशियो का जरूरत है क्या? बोलो, जरूरत है क्या यार? 12th ईयर मत करना, बस कुछ भी नहीं है, बस फटाफट 12th में ले, फटाफट ले बनाओ रेशियो चार्ट। नहीं चाहिए तो भी बना लेते रहे कि नहीं, इसके पहले कि भूल जाऊँ फटाफट बना दूँ, है ना? तुम लोग कल क्यों नहीं आए थे दोनों? अभी है ना, पहले क्या बना, क्या पूछा, क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट।
बना के हो गया तो फिर बात मत करो फिर भी। फिनिश्ड, स्टार्टेड, ये पेपर है ना ओल्ड लोग सेट करते हैं, क्योंकि देखिए रिवैल्यूशन वर्ड बहुत ओल्ड है मालूम, पढ़े लिखे लोग आजकल क्या करते हैं, जैसे पढ़े लिखे लोग खेत को फार्म हाउस बोलते हैं, है ना। अरे यार ये तो बहुत गड़बड़ वाला है ना, चार बनाने पड़ेंगे ना। क्या नाम है? दिनेश, दिनेश, रमेश, नरेश एंड सही है। और हो गया फिनिश्ड, चलाऊं बहुत सिंपल सम पूछा है। सी पहले क्या है? पहला इनर में लिखूं कि आउटर में? लैंड एंड बिल्डिंग एडजस्टमेंट है, फर्नीचर में एडजस्टमेंट है, फर्नीचर एंड फिक्स्चर स्टॉक इन ट्रेड 12, अरे एडजस्ट सब में एडजस्टमेंट है, कदम कदम पर, और क्या है ट्रेड रिसीवेबल मस्ट कॉपी करने का ना, कैश इन हैंड कैश इन हैंड इसको बाहर जान दे ना, और कैश एट बैंक। अच्छा अब आ जाओ ट्रेड पेबल्स, लायबिलिटी साइड पे 22,500,
आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज कितना बच्चों? 7,800 ना? नहीं नहीं 2,200 लायबिलिटीज में। अच्छा भाई दे दिया कैपिटल बाय और लॉरेल हार्डी वाला पूछा नहीं अभी तक है लोग ने एग्जाम में बाय जनरल रिजर्व। अरे बताओगे कुछ? 3, 2, 1 केटला बराबर 3, 2 का 1 नहीं 1, 2 का 4 है 1, 1, 2 का 4 है 4, 2 का 1 3, 2 का 1 गाना नहीं है। हो गया आया सर? फिनिश दिस अरे हाँ या ना बोलो। बैलेंस शीट तुम लोग ने सुरेश कितना लाया कैपिटल? मैं बैंक अकाउंट सुरेश 8,000 है ना? अच्छा भाई वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी इंक्रीज 2 रुपीज हाउ मच? बढ़ाना है पहले इसके सेकंड इफेक्ट दे दो एट कैपिटल ऑफ सुरेश कितना? 10,000 का वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी इंक्रीज 2 रुपीज हाउ मच? 14,000 तो बाय क्या? बाय स्टॉक इन ट्रेड है ना? कितना है ना? और स्टॉक क्या हो जाएगा? हो गया मामला खत्म। फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय हाउ मच? 10% मतलब 6,480 और फर्नीचर को हम यहाँ बताएंगे 2 फर्नीचर कितना? 720 पक्का। अब आरजीडी कितना? लेस आरजीडी 5% तो 535। अरे हाँ या ना बोलो। तो 10,165 और कहाँ जाएगा? यहाँ पे लिख लो 2 पक्का। कैसा लग रहा है आपको? वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी इंक्रीज बाय हाउ मच? 5,000 लैंड एंड बिल्डिंग कितना? आया समझ में?
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी डिवाइडेड इक्वली ना, मतलब सबका 1/4 हो गया, 1/3 नहीं यार, 1/4। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी इंक्लूड 700 ड्यू टू राम, राम कोई आदमी है, विच इज पेड बाय दिनेश, क्या एंट्री करो, राम इज अ पार्टनर और नॉट अ पार्टनर, राम का उधार चुका दिया, किसने दे दिया, तो तुम लोग एंट्री क्या करोगे, राम टू दिनेश कैपिटल ना, तो लेस लाइव लेस करेंगे ना इसमें से 700 लेस ना, कितना 500, और कैपिटल अकाउंट में आएगा 800 लाइब्रेरी देश में क्या है 700 बराबर, दिनेश 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 कौन सा नंबर है पहला, आया समझ में, अब है ना इन्होंने क्या बोला है, वैल्यू ऑफ गुडविल इज 18,000 है, उसने रेस करने नहीं बोला ना, तो तुम लोग क्या कर सकते हो इसमें, रेस करके राइट ऑफ कर सकते हो, या तुम लोग नेट एंट्री भी कर सकते हो, क्या करना है, रेस करके राइट ऑफ, तो यहाँ पे आएगा बाय गुडविल 3-1 ना, 3 कितना होगा 9,000 एंड है कि नहीं, अभी तुम लोग गुडविल राइट ऑफ करोगे ना या न्यू रेशियो में, कितना बोलो, क्या ठीक है, तो रेज किया और राइट ऑफ किया ना, बराबर, यहाँ तक मामला खत्म, बराबर, इसमें अच्छी बात है कि कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं है, तो हर प्रॉब्लम में क्या था कैपिटल, अभी तुम लोग रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकालो, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में क्या है प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है ना, क्या नाम है दिनेश दिनेश रमेश नरेश, ये 3/6 क्या करोगे 5745 ना डिवाइड बाय 2873 ले लेना, ये लोग ने तो पैसे में लिया है इंस्टीट्यूट ने 19
9 5 7 ना, अरे फिर 1 रुपया बढ़ जाएगा, 1 2 पैसे भी लेना पड़ेगा सबको, उसको किसी को 1 रुपया। हाँ ऊपर वाले में क्या ना बढ़ा दिया ना, तो दूसरे वाले में कम करना पड़ेगा, सब में बढ़ा नहीं सकते ना। पक्का समझा? कैलकुलेटर बहुत साल के बाद यूज़ कर रही है ना तू। बाय क्या? हाँ कितना होता है? 2 8 फिर खत्म। फिनिश और नो? अभी मेरे ख्याल से पैकअप है ना, टू सिक्स पहले का कितना आता बैलेंस? पहले का टोटल, टोटल नहीं बैलेंस, 9 7 अरे प्लस 1 9 1 5 माइनस 2 0 2 1 1 5 1 0 3 1 4 7 3 2 5 5 1 5 1 5 और 9000 + 2 8 7 3 कितना होता है? आपस टोटल का 2 8 7 3 चलो अभी क्या करो? कैपिटल दिनेश, दिनेश फिर रमेश, कितना बच्चों? 6 2 इसके बाद टोटल 8 6
एक साइड के दोनों साइड, तो कितनी बार एक साइड पे भी हम बोल देते हैं, अच्छी तरह जानता हूँ तुम लोग को, समझा कि नहीं? Follow this. हो गया टैली? वेरी इजी सम ना?